स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। खाद्य सुरक्षा योजना में नए परिवार जुड़ना शुरू। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। राजस्थान में बहुत सारे गरीब परिवार जो कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने से वंचित है, उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा से लिंक करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान के कुछ जिलों में खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द यह प्रक्रिया सभी जिलों में शुरू कर दी जाएगी। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने फ्री में राशन प्रदान किया जाता है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा संख्या में इस परिवार हैं जिन्हें फ्री में राशन की जरूरत है, लेकिन उनका नाम राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ पाया है। काफी समय पहले उनके लिए आवेदन फॉर्म भी मांगे गए थे, ई मित्र के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरे गए थे, लेकिन कुछ परिवार तो खाद्य सुरक्षा से जुड़ गए और काफी ज्यादा संख्या में गरीब परिवार इस योजना से नहीं जोड़ पाए। बहुत सारे ऐसे परिवार भी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं जिन्हें इस योजना की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें उठाने की प्रक्रिया भी सरकार लगातार कर रही है। काफी ज्यादा संख्या में लोगों का नाम राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से काट भी दिया गया है और जो फर्जी लाभ ले रहे हैं उन्हें सरकार से अपील है कि वह जल्दी से जल्दी अपना नाम स्वयं ही कटवा ले, अन्यथा उन्हें जुर्माना बहुत महंगा पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआत से खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया ई मित्र के माध्यम से ही हो रही है। कोरोना के समय से यह आवेदन फॉर्म बंद कर दिए गए थे, लेकिन 2022 में यह पोर्टल थोड़े समय के लिए खोला गया था जिन्हें लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों को जोड़ा गया था। उसके बाद भी काफी ज्यादा संख्या में गरीब परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने से वंचित रह गए। अभी थोड़े समय पहले ऐसे राशन कार्ड दिन में खाद्य सुरक्षा का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन उन्हें मेंबर ऐड करने की प्रक्रिया काफी समय से बंद कर दी गई जो शुरू की गई है। उसके बाद से ये बताया जा रहा था कि जल्द ही अब राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़े गए हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा तो उन्हें लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। अब की बार जो राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की प्रक्रिया वह ई मित्र पर दी जाएगी। अब की बार यह काम राशन कार्ड डीलरों को सौंप दिया गया। सरकार ने राशन डीलरों को पात्र लाभार्थियों की एक लिस्ट भेजी है। राशन डीलर उसे लिस्ट में आए नाम के आधार पर लाभार्थियों को फोन करेगा और उससे कुछ जानकारी प्राप्त करेगा और वह डाटा आगे भेज देगा। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर इसकी जांच की जाएगी और लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।